क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 6.3 हमने शुरू की थी और इसका एक सम किया था। आज हम इसका सेकंड सम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपको डायग्राम्स दी हुई हैं, तो एक एक करके हम इसको लेते हैं। मैं सारी डायग्राम्स को एक साथ नहीं लेता हूँ, पहले हम फर्स्ट की ही बात करते हैं। ये देखो, एक फिगर दी हुई है, ये एंगल 50 है, ये 120 है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स और वाई दो आपको अननोन वैल्यूज़ दिख रही है ना, तो आपने ये दोनों अननोन वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलो इसको करते हैं। ये मैंने बनाई इसकी फिगर, ये एंगल दिया हुआ आपको कितना 120 डिग्री, ये एक्स दिया हुआ, ये दिया हुआ 50 डिग्री और ये दिया हुआ वाई। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्स और वाई निकालना। आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, इसको अगर आप भूल जाओ, इसको मत देखो आप, बस ये क्वेश्चन। तो एक्स कैसे निकला था, 120 में से 50 माइनस करके, उसको एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, किया था ना आपने पहले क्वेश्चन ये, कि ये एक्स कैसे निकल जाएगा। इसको देखो ही नहीं आप, मत देखो इसको। एक्स कैसे निकल जाएगा, 120 में से 50 माइनस कर देना। ठीक है, और अगर ये दोनों एंगल दिए हो, दोनों दिए हो, मान लो ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, इधर तो दिया ही हुआ है, एक्स भी दिया होता और ये निकालना हो तो फिर इन दोनों को प्लस करके, याद है ना। तो अब ये रखा मैंने हाथ, इसको भूल जाओ, एक्स कैसे निकलेगा, 120 में से 50 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, आपने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, एक्स इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये है क्या, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ही है ये, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो निकाल लो यहां से x, 120 में से 50 गया तो कितना हो गया, 70 डिग्री आ गया। ये आ गया आपके पास, अब ये रहा एक, ठीक है, अब क्या रहा, y रहा। अब ये y को दो तरीकों से निकाल सकते हो, y को कितने तरीकों से निकाल सकते हो, दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो सिर्फ आप इस चीज़ को देखो, भूल जाओ सारा कुछ, भूल जाओ y. ये स्ट्रेट लाइन देखो, दिख रही है, ये दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, बना रहे हैं। स्ट्रेट एंगल हमेशा कितना होता है, 180 का होता है। ठीक है, तो 180 में से 120 इसके हिस्से में आ गया, इसके हिस्से में क्या आया, 180 में से 120 माइनस कर लेना, जो भी आएगा वो इसके हिस्से में आएगा, वो 60 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक लंबे वाला तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे लिख लो आप, आल्सो अगर मैं ये y और 120 को प्लस करता हूँ, वो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। क्यों, स्ट्रेट एंगल बना, ये क्या बना, स्ट्रेट एंगल बना ना, स्ट्रेट एंगल। तो यहां से y निकालना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, नंबर को नंबर के पास माइनस कर देना है। तो y किसके बराबर है, 180 में से 120, तो आपका x भी आ गया, y भी आ गया। अब मैंने जो कहा था कि y को एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हम इसको y को निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, इस ट्राइंगल को ध्यान में रखना बस। ठीक है, क्या ध्यान में रखना, ये ट्राइंगल को ध्यान में रखना। मैं अभी आपको बताता हूँ ये करके। फिर आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आपने करना होगा कर लेना। ये इस ट्राइंगल को ध्यान में रखो, ये इधर से जो बड़ा हुआ था छोड़ दो उसको, ये आपका था क्या, एक्स था, ये क्या था 50 डिग्री और ये क्या था वाई, था ना वाई। ये एक्स आप निकाल चुके थे, कितना निकाला था 70, तो मैं एक्स की जगह 70 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या बचा,
वाई बचा। हमें पता है कि अगर मैं 70 ट्राइंगल के तीनों एंगलों को प्लस करूं तो वो कितना आता है, 180 आता है। आपने ये सवाल पढ़ा हुआ है, ये इसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। करो इनको ऐड, 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 डिग्री प्लस ये y इक्वल टू 180। ले जाओ कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, तो y क्या आ जाएगा, 180 में से 120 किया माइनस, तो y इधर भी 60 ही आया। तो y को निकालने के दो तरीके थे, आपकी अपनी मर्जी है, y चाहे ऐसे निकाल लेना या फिर स्ट्रेट एंगल का पहले ढूंढा करो कि स्ट्रेट एंगल बन के कुछ होता है या नहीं होता है, नहीं हो तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास तो होती ही होती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का बन गया था तो इसलिए मैंने स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा ली। आया समझ ये? यस सर। तो चलो आप आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी मैं आपके सामने जो फिगर दी हुई है बनाता हूँ वो। ये आ गया 80 डिग्री, ठीक है, ये आ गया वाई, ये आ गया 50 डिग्री और ये क्या आ गया एक्स। याद रखना क्रॉस में जो एंगल बने जैसे ये और ये हमेशा बराबर होते हैं, ऐसे ही ये वाला एंगल और इसके बिल्कुल सामने जो एंगल आए ये बराबर होते हैं। मान लो कि अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री, मान लो कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। क्यों बराबर होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। इधर भी तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, ये देखो क्रॉस बन रहा है ना, अगर ये 80 डिग्री है तो वाई भी कितना होगा 80 डिग्री ही होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर y इक्वल टू किसके बराबर 80 डिग्री, लेकिन रीजन जरूर लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। अब भूल जाओ सारा कुछ, ये जो भी था, अब इस ट्राइंगल को देख लो बस, ये जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ ना, ये ट्राइंगल जिसको डार्क कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को देख लो। इस ट्राइंगल में ये एंगल अब आपका आ चुका है 80, ये है, ये निकालना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अभी तो बताई थी, ठीक है। आल्सो ये y, इसको क्या लिखूंगा, y प्लस 50, फिर इसमें प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों स्ट्रेट एंगल, बेवकूफ, ये स्ट्रेट एंगल दिख रहा तेरे को, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो हमेशा कितना होता है 180 होता है। तो ये ट्राइंगल के तीनों एंगलों को ही तो मैंने प्लस किया, एक एंगल वाई था जिसको मैं निकाल चुका हूँ अभी वैल्यू दूंगा, एक 50 था और एक क्या था एक्स था, तो इन तीनों का सम किसके बराबर 180। प्रॉपर्टी क्या लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो जिसकी वैल्यू दे दो, वाई अभी निकाला था 80 डिग्री, 50 तो 50 ही था, x के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उसी को निकाल रहे हैं 180। करो इसको, 80 प्लस 50 कितना हो गया 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई, नंबर में से नंबर को माइनस कर दो, इधर ले आओ 130 माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो आपके जो अननोन एंगल थे दोनों निकल गए हैं, वाई तो पहले ही निकल गया था आसान तरीके से, और एक्स आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया। तो ये इसका सेकंड पार्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इनमें, या तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, वर्टिकल लगेगा, या एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, या फिर वो स्ट्रेट एंगल वाला प्रॉपर्टी लगेगी, ये लेकिन कहाँ पे क्या लगना है ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर अप्लाई करना आया तो बहुत ही आसान, नहीं तो मुश्किल। फिर देखो इसका थर्ड पार्ट, ये भी बहुत ही ईजी पार्ट है।
ये आ गया 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका आ गया वाई और ये आ गया एक्स। एक्स तो निकालना बहुत ही आसान है, ये बाहर वाला है एक्सटीरियर एंगल, ये देखो ना एक्स बाहर वाला नहीं है क्या, तो ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तूने कुछ नहीं सीखा मेरे ख्याल से, 50 कहाँ से हो गया कि बाहर वाला किसके बराबर होता है, अंदर वाले दो एंगल्स के सम के बराबर। अंदर वाले कौन से लेने हैं, जो अपोजिट होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर एक्स किसके बराबर, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्यों, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x किसके बराबर आ गया, 60 प्लस 50 कितना आ गया, 110, ये x आ गया। अभी y आपके पास बकाया है, अभी y भी निकालना बहुत आसान है, चाहो तो आप ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, या फिर ये स्ट्रेट एंगल वाला भी तो फंडा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो नहीं, स्ट्रेट एंगल वाला तो स्ट्रेट एंगल वाला आसान रहता है, वो लगा लो आप, ठीक है। आल्सो स्ट्रेट एंगल वाला फंडा लगा रहा हूँ, उसमें क्या क्या आएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू किसके बराबर, 180 डिग्री, क्यों, स्ट्रेट एंगल, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। अब x तो निकाल चुके हो आप, कितना, 110 डिग्री, x के लिए वो आ गया, प्लस y वैसे का वैसे इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से y निकाल लो, 180 डिग्री में से 110 करना है माइनस, तो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो ये पार्ट कौन सा था, थर्ड था। अभी फोर्थ पार्ट करेंगे हम, वो देखो क्या इसकी फिगर बनाई हुई है, ये 60 डिग्री, ये x, फिर ये आ गया y, और ये कितना आ गया, 30। एक निकालना तो बहुत आसान है यहाँ पे, वो कौन सा, x, कितना होगा, ये देखो ध्यान से, 60 नहीं होगा, बोलते क्यों नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पे, तो जल्दी से बोला करो ना, क्या होगा ये, 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर x किसके बराबर, 60 के बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं, बस इसको ध्यान में रखो, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, लगा सकते हो नहीं, अब हम लिखेंगे आल्सो, यहां से शुरू कर लो एक्स, उसके बाद फिर वाई लिख लो, प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, दे दो वैल्यू, एक्स की वैल्यू दो, निकाल चुके हो 60 डिग्री, निकाला ना अभी, वाई हमें पता ही नहीं है, प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ये ऐड हो जाएगा, 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से वाई निकल जाएगा आपका, 180 में से 90 करना है माइनस, तो y किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। तो ये पार्ट ख़त्म हुआ, ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट, बहुत ही ईजी है वो भी। फिफ्थ पार्ट देखो, उसमें हमें ये इस तरह की फिगर दी हुई है, ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, और ये भी क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और ये 90, तो एक तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कौन सा, y वाला, कितना आएगा वो, 90 ही आएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर एंगल y इक्वल टू किसके बराबर, 90 डिग्री, कारण
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब फिर इस ट्राइंगल को देख लो, बस देखा ना इस ट्राइंगल को, और इसमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है ना। आल्सो यहां से शुरू करो एक्स, फिर इस एक्स को ले लो और फिर ये वाई ले लो, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, वाई निकाल चुके हो, वैल्यू दे दो कितने 90 डिग्री इक्वल टू 180। 2x तो ऐसे ही रखो, नंबर को नंबर के पास ले जाओ, 180 में से 90 कर लो माइनस, 2x इक्वल टू 180 में से 90 किया तो 90 ही आ गया। अब x निकालना है, 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 90 को डिवाइड करो 2 के साथ, 2 1 2 2 45। तो x किसके बराबर आ गया 45 डिग्री। ये वाला भी और ये वाला भी, दो दो बार नहीं निकालना, ये दोनों बराबर थे, ये भी x था ये भी x था, दोनों ही 45 के बराबर, तो ये तो ऑलरेडी हम y हम निकाल चुके थे वो 90। समझ आया? अब इसका एंड वाला पार्ट देखो, ईजी है वो भी लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये इस तरह की सिचुएशन है, ये x, ये वाला x, ये अंदर ये y और ये वाला x, अंदर वाले सारे के सारे एंगल जो ना x ही बन जाएंगे। ये देखो ये अगर x है तो ये क्या होगा, ये भी तो x ही हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर एंगल x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल x है तो ये जो y है ये भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बार दोबारा सुन लो, ये अगर x है तो ये अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, x वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये अगर y है तो y भी क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा x? क्योंकि बाहर वाला जो एंगल है वो क्या है, x है, तो वर्टिकली तो हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल मैं इसको ले लूँगा और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अंदर वाले कौन से एंगल है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी क्या एक्स है। वाई को भी क्या करना है, एक्स तो लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x निकाल लो, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, 3 1 3 3 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। x तो आ गए सारे, ये x भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अभी और क्या y भी तो निकालना है ना। आल्सो ये जो y था ये भी तो x के बराबर ही होगा ना, अभी शुरू में ही बता दिया था मैंने, y भी किसके बराबर होगा, x के बराबर ही। और ये x भी क्या 60, वो तो 60 डिग्री है ही है। तो कहने का मतलब जो y है वो भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ 6.3 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। तो ध्यान से इसको समझना आप, और फिर कापियों पे नोट कर लेना।